हे गाइस, वेलकम ऑन न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत 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 बढ़िया होंगे एंड हैप्पी संडे। आज है संडे और मेरी ट्रिप है छोटी सी, तो मैं जा रही हूँ आज घूमने के लिए और देखते हैं अभी सरप्राइज़ है कहाँ जा रही हूँ घूमने के लिए, ये मैं आप लोगों को बताऊँगी। इसके लिए आपको नेक्स्ट ब्लॉग देखना पड़ेगा क्योंकि इसमें तो पूरा रास्ते का रहेगा, रास्ते में जाऊँगी तो उसका ब्लॉग रहेगा। तो अभी मेरी पूरी तैयारी हो चुकी है और अभी बस में निकलने वाली हूँ 10 मिनट में। तो ये देखिए, मैंने ये भी किया, अच्छा लग रहा है ना नेल प्रिंट। ये बहुत कम लगा पाती हूँ, टाइम नहीं मिलता ना तो थोड़ा कम हो पाता है। और चलिए फिर रास्ते में मिलते हैं आपसे। और ये देखिए गाइस, रास्ते से जा रही हूँ मैं, बहुत ही इंजॉय कर रही हूँ और मज़ा भी बहुत आ रहा है। ये भेड़ बकरी वाले दाऊ मिले रास्ते में। और मेरे को लगा रास्ते का आप लोगों को दिखा देती हूँ। मेरा 1.5 घंटे का रास्ता था और मतलब बहुत ही इंजॉय किया मैंने। आप देख सकते हैं बारिश के टाइम पे वैसे भी इतना हरा हरा चारों तरफ रहता है ना, पेड़ पौधे वगैरह सारी चीज़ें, तो वैसे भी बहुत ही अच्छा लगता है। और जहाँ पे मैं जा रही हूँ वो जगह भी बहुत ही शानदार है, तो आप लोग आगे वीडियो में देखेंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और ये तो अभी सरप्राइज़ है तो मैं आप लोगों को बता नहीं रही हूँ कि मैं जा कहाँ रही हूँ। वैसे जहाँ भी जा रही हूँ बहुत अच्छी शानदार जगह है। यहाँ पे रुकी हुई हूँ मैं चाय पीने के लिए थोड़ा सा। और ये देखिए दादा जो है ये बना रहे हैं चाय और मैं वेट कर रही हूँ। चाय मेरी हो चुकी थी फिनिश तो फिर से चल दी है वापस ये अपनी गड्डी को भगा रहे हैं ज़ोरों से कि जल्दी से पहुँच जाएँ। सुबह ही निकले थे लेकिन थोड़ा लेट तो हो गया है। स्वीट कॉर्न इधर थे तो मैंने स्वीट कॉर्न भी लिया रास्ते में, आप देख सकते हैं। और मेरे को स्वीट कॉर्न तो वैसे भी बहुत पसंद है। और अभी ये देख सकते हैं आप, पहाड़ी है, पहाड़ी पे चढ़ रही है गड्डी और बहुत ही मज़ा आ रहा है यार। चारों तरफ आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा हरे हरे पेड़ है। वैसे भी पहाड़ों वहाड़ों में ना बारिश के टाइम पे और भी अच्छा लगने लग जाता है, पहाड़ों में तो भाई वैसे भी अच्छा लगता है। इधर भी स्वीट कॉर्न वालों ने लगा के रखा है। भाई इधर स्वीट कॉर्न बहुत ही सस्ते हैं, आपको पता है मैंने 20 रुपीज़ का एक स्वीट कॉर्न लिया। अपने इधर लेती हूँ तो मुझे वो 30 रुपीज़ का मिलता है और जो देसी है वो यहाँ पे काफ़ी सस्ता मिल रहा है 10 रुपये का, और जो देसी है जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ मिलता है 20 रुपीज़ का। तो मतलब बहुत फ़र्क है यार, मतलब आधे का फ़र्क है यार, बताओ। तो यहाँ से स्वीट कॉर्न इसीलिए लिया मैंने और अच्छे से भूंजा था उन्होंने तो मज़ा भी बहुत आया। और आप देख सकते हैं गाइस कितना सुहाना मौसम है, मौसम भी हमारा साथ दे रहा है। पहाड़ी में चढ़ते हैं ना, ये मंदिर बनी रहती है भाई, जय श्री राम। पैर ऐर छू लेते हैं कि भाई पहाड़ी पे चल रहे, भगवान जी रक्षा करना हमारी है। तो ये आप देख सकते हैं गाइस कितना प्यारा लग रहा है। ऐसे लग रहा था कि मतलब यहीं पे टेंट वेंट लगा के रुक जाए, और बहुत ही शानदार नज़ारा। ये तो आपको मैं मोबाइल से इतना दिखा रही हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी स्पीड कर रही हूँ मैं ताकि आप लोग, इतना लंबा वीडियो हो जाता फिर आप देख नहीं पाते ना, तो मैं थोड़ा स्पीड बढ़ाई हूँ इसकी वीडियो की। और आपको इतना मज़ा नहीं आ रहा होगा लेकिन मैंने बहुत इन्जॉय किया, बहुत ही शानदार जगह थी भाई और बहुत ही इन्जॉय किया था। ये देखिए बारिश होने लग गई और इधर स्वीट कॉर्न के पेड़ हैं बहुत सारे, इधर स्वीट कॉर्न की खेती बहुत होती है। तो आप देख सकते हैं ये जहाँ मैं जाने वाली हूँ चारों तरफ बोर्ड लगे हुए हैं और ये बारिश बहुत ज़ोरदार हो रही है। और ये अगल बगल आप देख रहे हैं ना खेत, यहाँ सब स्वीट कॉर्न की खेती है, मतलब स्वीट कॉर्न लगे हुए हैं दोनों तरफ। इधर स्वीट कॉर्न बहुत होता है और जहाँ मुझे जाना है यहाँ का रास्ता थोड़ा ख़राब टाइप का है, तो ये देखिए बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे भी, तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमें जाना है। यस, आपको पता चल ही गया कि मैं कहाँ जा रही हूँ, देख लिया आपने, गुड जॉब। तो ये देखिए ये पूरा स्वीट कॉर्न का खेती है इधर, बहुत ही मज़ा आ रहा है, मैंने तो बहुत इंजॉय किया मैंने तो। और गाइस मैंने तो अपने गाड़ी के कांच भी खोल दिए थे तो यहाँ की शुद्ध हवा जो है वो बहुत प्यारी थी, तो मैंने उसका मज़ा लिया। ये देखिए गाइस कांवरिया, बहुत सारे कांवर यात्री थे और मेरे को लगा कि वीडियो बनाऊं, रास्ते में बहुत सारी चीज़ें देखी मैंने। ये देखिए उनमें से एक ये कांवर यात्री भी थे और एक ही नहीं बहुत सारे कांवर यात्री देखे मैंने। हम लोगों ने इनको पानी भी दिया पीने के लिए और कुछ पुण्य हमें भी मिल जाए। सारे पुण्य यही ना ले लें।
भाई कांवर यात्री जो होते हैं ना, उनको देखना भी पुण्य का काम होता है, तो पानी पिलाना तो बहुत ही पुण्य का काम होता है। और आप ये देख सकते हैं गाइस, यहाँ से बस आ ही गए हम लोग, पहुँच गए हैं आप देख सकते हैं। और ये मेन गेट है जहाँ से हमें अंदर एंट्री करनी है, ये आप देख सकते हैं। और ये यहाँ से हम जा रहे हैं अंदर, और यहाँ नीचे है जहाँ हमें स्टे करना है। तो कैसे, मतलब पेड़ है ऊपर जाके जुड़ गए हैं पूरे नीचे से। ये देखिए गाइस, यहाँ पे किसी की गाड़ी खड़ी हुई है, तो यहाँ रुकेंगे हम। तो गाइस मैं पहुँच चुकी हूँ फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, जहाँ मुझे आना था। इस जगह का नाम जो है फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट है, और बहुत ही अच्छा है, शानदार है, अभी तो देख के ऐसे लग रहा है। बाकी घूमूंगी तो आप लोगों से शेयर करूंगी। और थक गई हूँ काफ़ी, सुबह से चले हैं ना, तो आराम करती हूँ, थोड़ा सा रूम वगैरह देखती हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छी जगह लग रही है, अभी घूमी तो नहीं हूँ मैं, लेकिन जैसे दिख रहा है ना, मतलब उस हिसाब से अच्छा ही है। तो जा रही हूँ रूम वगैरह देख लेती हूँ क्या है, और फिर मिलती हूँ आपसे। और गाइज अभी वो रूम क्लीन करवा रहे हैं, तब तक मैं ये बाहर का थोड़ा सा आप लोगों को नज़ारा दिखा देती हूँ। ये आप देख सकते हैं, छोटा सा डैम है इधर, और इधर ये रूम है जहाँ उन्होंने मुझे देने के लिए बोला है। रूम के सामने ऐसे बना हुआ है, और बहुत प्यारा लग रहा है। मतलब ये रूम है जो लिया है मैंने, यहाँ पे रूम ऐसे ही मिलते हैं। और मतलब एक पहाड़ी वाला फीलिंग आ रहा है, जैसे पहाड़ी लोग रहते हैं उस टाइप का है यहाँ पे। और तो गाइस मुझे रूम मिल चुका है, और मैं चेक इन कर लेती हूँ। अब जा रही हूँ, थोड़ा सा आराम करूँगी, और फिर शाम को घूमूंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी भी, और बहुत मज़ा आने वाला है इधर। तो कंटिन्यू मेरे ब्लॉग में डेली बने रहिएगा, और दो तीन ब्लॉग जितने बनेंगे तो कंप्लीट करूँगी, और आज का ब्लॉग मैं यहीं फिनिश करती हूँ, और फिर मिलती हूँ आपसे कल। बाय बाय।